तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर, मेरा स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है। मैंने अपने फोन में कुछ भी नहीं रखा, फिर भी मेरा स्टोरेज पता नहीं कैसे फुल हो जाता है। मुझे पता नहीं, मैं सारे चीजों को डिलीट करता हूँ, फिर भी मेरा स्टोरेज फुल दिखाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे फोल्डर के बारे में बताऊंगा, अगर आप उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपका मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आपके मोबाइल का स्टोरेज पूरा फुल रहेगा, आपका मोबाइल पूरा फुल रहेगा, तो आपका मोबाइल हैंग करेगा और बार बार शो करेगा कि भाई आपका स्टोरेज फुल है, डिलीट करो। जब भी आप कोई मूवी डाउनलोड करेंगे, कोई वीडियो क्लिक करेंगे या तो कोई फोटो क्लिक करेंगे, तो भाई आपका फोटो वीडियो कुछ भी क्लिक नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे कमाल के एक ही फोल्डर के बारे में बताऊंगा, अगर आप उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो भाई आपका मोबाइल खाली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खाली हो जाएगा। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि आपके मोबाइल में एक ऐसा फोल्डर है जहां पर इतना सारा स्पेस भरा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन सा फोल्डर है और उस फोल्डर को डिलीट करने के बाद में हमारा फोन कितना खाली होने वाला है। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। आपको लाइक पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है और आपको शेयर पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर देना है। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं, आपको शेयर जरूर करना है। और दोस्तों, आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यह जो घंटी आ रही है, आपको यहां पर क्लिक करके इसको ऑल पे कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, आपको नीचे आना, कमेंट सेक्शन में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। कभी कभी कमेंट सेक्शन नीचे मिलता है, कभी कभी कमेंट सेक्शन ऊपर मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, आपको यहां पर एक कमेंट करना है, आपको टाइप करना है नाइस ट्रिक, उसके बाद में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, बस आपको यही छोटा सा काम करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कौन सा फोल्डर है और आप उस फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जाना आपको अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, आपको जाना अपने फाइल मैनेजर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यह तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अपने फोटो को, अगर आप अपने वीडियो को डिलीट करेंगे तो आपका फोल्डर खाली हो जाएगा। ठीक है, यह तो सभी को पता है। लेकिन आपके फोन में कुछ ऐसे फोटो होते हैं जो रिकवरी के तौर पर आपका फोन एक फोल्डर में सेव कर देता है, जिस फोल्डर के बारे में आपको पता नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको जाना है थ्री डॉट में। थ्री डॉट में जाने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन शो करेगा, शो हिडन फाइल का। अब दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे भाई मेरे फोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, थ्री डॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको यहां पर सर्च करना है फाइल मैनेजर। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे, आपको यहां पे बहुत सारी फाइल मैनेजर आ जाएगी। तो फिलहाल मैं यह वाला यूज करता हूं, एमआई का फाइल मैनेजर। ठीक है, तो अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मेरी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो आप किसी और फाइल मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन शो करने लगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर शो कर रहा है शो हिडन फाइल का, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ और फोल्डर शो करने लगे जिसके आगे डॉट लगा है। ठीक है, जिसके आगे डॉट लगा है वह सारे फोल्डर शो करने लगे। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही कमाल की चीज, जिसके बारे में शायद ही आप एक्सपेक्टेड करेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है क्या। अब दोस्तों, आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना है, आपको एक फोल्डर को खोजना है जिसका नाम है डॉट थंबनेल्स करके। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर देख लेना है यहां पर। अगर ऊपर नहीं मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको अपने जाना है DCIM फोल्डर में। DCIM फोल्डर में जाना है। जैसे आप यहां पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पर हुआ फोल्डर शो करने लगा। ठीक है, अगर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि वह फोल्डर चला गया। अगर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कर देता हूं शो हिडन फाइल, तो आप देख सकते हैं कि वह फोल्डर आ गया। तो आपको यह काम बहुत ही जरूरी करना अगर आपको इस फोल्डर को पाना है तो। अब आपको क्या करना है, आपको इस फोल्डर में जाना है। जैसे आप इस फोल्डर में जाएंगे, आपको जो चीज मिलेगा आप हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी आपका पुराना डिलीट हुआ फोटो है, जो भी आपके फोन में फोटो है, उसको यह रिकवरी के तौर पर यहां पर सेव कर देता है। अगर आप अपने फोन से डिलीट भी कर देंगे तो आपको वह फोटो यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डिलीट फोटो को रिकवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका कोई ऐसा फोटो तो नहीं है जो डिलीट हो चुका है और आपको वह फोटो चाहिए, तो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक काम करना है, आपको सिंपली सभी को सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने फोटो हैं, 7584 फोटो, यानी 7,500 फोटो हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर मैं 7,500 फोटो को डिलीट किया तो मेरा फोन कितना खाली हो जाएगा। अगर मेरा एक फोटो 1 MB का होता है तो मेरा 8 GB तक खाली हो जाएगा, ठीक है, 8 GB तक खाली हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर आप एक फोल्डर डिलीट करेंगे तो आपका लगभग 8 GB तक खाली हो जाएगा। हो सकता है कि आपके फोन में कम फोटो हो सकता है कि आपके फोन में ज्यादा फोटो हो। अगर आपने डिलीट किया होगा तो आपके फोन में कम से कम 10 से 20 हजार तक फोटो हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके फोन में 2 से 3 हजार फोटो हैं, लेकिन अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपका फोन बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दिए, उसके बाद में आपको चेक कर लेना है, आपको बाहर बहुत सारे डॉट वाले फोल्डर मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कुछ मिलता है फालतू सा तो आपको डिलीट कर देना है, लेकिन अगर आप उसी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो आपके फोन का बहुत सारा स्पेस खाली हो जाएगा। तो बहुत से लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि यार मैं अपने फोन में कुछ भी नहीं रखा फिर भी मेरा फोन फुल दिखा रहा है। तो दोस्तों रीजन यही है, तो आप उस फोल्डर को डिलीट कर देना, आपका फोन खाली हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, ठीक है। आ जाना इंस्टाग्राम पर, वहीं पर बहुत सारी बातें करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।